बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि YouTube पे कामयाब होने के लिए कोई ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सब्सक्राइबर खरीदते हैं, वॉच टाइम खरीदते हैं, इस तरह से YouTube पे वायरल होना चाहते हैं। लेकिन आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया, या किस तरह आपकी वीडियोस वायरल हुए, और आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई, और जब आपकी वीडियो वायरल हुए तो आपके क्या तासुरात थे? अस्सलामु अलैकुम दुनिया सेहत का मरकज़ वादी गिलगित बल्तिस्तान, एक और व्लॉग के साथ अनवर साकी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह पाए जाते हैं। अल्लाह पाक ने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत खूबसूरत जगहों से नवाजा हुआ है। वहीं साथ साथ में यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और अल्लाह पाक ने उनमें बहुत सारे सलाहियत रखे हुए हैं। और ऐसे एक बासलाहियत नौजवान के साथ आज हम मौजूद हैं, जिनको तकरीबन आप सब जानते ही होंगे। सियाचन विलेज व्लॉग के नाम से इनका चैनल है, और तकरीबन 1 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद तकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तकी भाई, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो बहुत नाचीज से इंसान हूँ, लेकिन आपने इज्जत बख्शी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से आपके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं और आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। तो तकी भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब कैसे स्टार्ट किया था आपने यूट्यूब, और कब आइडिया आया इस चीज़ का, और किस तरह ये सब हुआ था? जी अनवर भाई, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है, बेरोज़गार बंदा था, कुछ करना चाह रहा था। तो आज से 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। तो शुरू में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक तो इंटरनेट का बड़ा मसला था, जो कि आज भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इंटरनेट का मसला था। फिर मैंने मेरे लिए टॉपिक का मसला था ना, फिर मैंने सोचा कि यार चले यहाँ की विलेज लाइफ दिखाते हैं। तो जाहिर बात है, दूसरों से वो सीखा, ख़ासकर हमारे पंजाब जो सिंध से जो व्लॉगर्स होते हैं वो लोग डिज़र्ट लाइफ दिखा रहे थे ना, तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं माउंटेन लाइफ दिखाऊं। बिल्कुल, तो इसी तरह से मैंने शुरू किया। लेकिन 1 महीने तक मैंने वीडियो अपलोड तो मैं करता रहा ना, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल, फिर मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने वो उस चैनल का नाम पहले कोई कुछ और था ना, ऐसे मैंने अपने नाम पे रखा हुआ था। मैंने सोचा कि कोई मशहूर नाम हो, फिर मुझे ये आइडिया आया कि यार सियाचन एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो मैंने सियाचन विलेज व्लॉग्स रखा। बिल्कुल, तो इसी तरह से अल्लाह की करम से ये सिलसिला चलता रहा। और अल्लाह की करम से तकी भाई, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि YouTube पे कामयाब होने के लिए कोई ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सब्सक्राइबर खरीदते हैं, वॉच टाइम खरीदते हैं, इस तरह से YouTube पे वायरल होना चाहते हैं। लेकिन आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया, या किस तरह आपकी वीडियोस वायरल हुए, और आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई, और जब आपकी वीडियो वायरल हुए तो आपके क्या तासुरात थे? जी जी बिल्कुल, आज भी ना बहुत सारे लोग आप जैसे नौजवान गिलगित बल्तिस्तान भर से मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि यार आप कैसे कामयाब हुए, आप वीडियो कैसे बनाते हैं। वो ये नहीं पूछते, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि आप कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार कोई ट्रिक तो मैं यूज़ नहीं करता। खैर, मैंने तो काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन बस एक बात है कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मुझे कामयाबी बहुत जल्दी मिल गई ना, ये तो अल्लाह पाक का करम है। वरना मेरे अंदर कोई ऐसे कोई मतलब इतना टैलेंटेड तो नहीं था, लेकिन अल्लाह का करम है ना, या अल्लाह के करम के बगैर ये कुछ मुमकिन नहीं था। तो कोई ट्रिक नहीं है अनवर भाई, तो बस यही है कि अपना खुद का कंटेंट होना। बिल्कुल, ऐसा है कि आप कुछ यूनिक बनाएं, मेरे ख्याल में ना बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिक बनाएं तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई ट्रिक होता तो मैं आज अपना हर वीडियो वायरल करता ना, ऐसा नहीं होता है। आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मुझे बड़ी मुश्किल होता है कि वीडियोज़ को वायरल करना ना, तो ये बात आप देख सकते हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आप उस ट्रिक को लगा के वीडियोज़ वायरल करें, आप सब्सक्राइबर बनें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट यूट्यूब पर आपको मेहनत करना पड़ता है, और शुरू से आप मेहनत करते हैं अपना खुद का कंटेंट लाएँ। और तकरीब मैं अभी आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो लोग यूट्यूब पे किस तरह काम करें और किस तरह अपना रोज़गार कमाएं? जी अनवर भाई, खैर मैं भी इतना मतलब यूट्यूब के फील्ड में इतना माहिर तो नहीं हूँ, बस यही जानता हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बस टाइटल लगा के कोई कोशिश करता हूँ, अच्छा थंबनेल लगा के उसको अपलोड करता हूँ। ज़्यादा चीज़ों का तो मुझे भी नहीं पता। मैं देख रहा हूँ बल्तिस्तान भर से आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ना काम कर रहे हैं, आपको जानते होंगे। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैंने शुरू में जो थंबनेल में लिखा था, सियाचन के पहाड़ों में एक खूबसूरत गाँव, या पहली बार दुनिया के सामने फलाना, ऐसे लिखा था। तो ज़्यादा मैं देख रहा हूँ
तकरीबन तकरीबन अक्सर यूट्यूबर ना यही काम करें, वो भी ऐसा कर रहे हैं ना, एक तरह से कॉपी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि यही बात है ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं 1,00,000 मेरा सब्सक्राइबर है, एक वीडियो 1,00,000 वाला सब्सक्राइबर के चैनल पर रैंक कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होता है कि आपको एक नया यूट्यूबर, नया यूट्यूब चैनल हो और वो भी इसी तरह से रैंक करें ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में अगर यूट्यूब पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको यूनिक कुछ ज़रूर बनाना होगा ना। ऐसे मिसाल के तौर पर या मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नकल करने की, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, किसी और की भी नहीं नकल करना कुछ अच्छा नहीं है, खामखा अपना टाइम। हमारे लिए तो आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तकी भाई। और अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी, और जब आपकी वीडियो वायरल हुए और आपने देखा कि आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है, तो आपके क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग थे उस वक्त? जी जी, तो आज तकरीबन 12 अक्टूबर है ना शायद, 12 अक्टूबर तो आज मेरे ख्याल में ना तकरीबन साल हुए हैं, पिछले साल अक्टूबर से मैंने बाकायदा वीडियोज़ बनाना शुरू किया था ना। तो जब वीडियोज़ मैंने अपलोड करता रहा अक्टूबर से ना, बिल्कुल, तो दिसंबर जनवरी में मैं तकरीबन हिम्मत हार चुका था। अच्छा, हाँ, जनवरी में मुझे लगा यार ये बड़ी मुश्किल काम है यार, क्योंकि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहा था और वीडियोस रैंक नहीं हो रही थी, हाँ, तो बड़े मुश्किल था। फिर जाके फरवरी में ना एक मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। अच्छा। तो आप जानते हैं एक बंदा मतलब 5-6 महीनों से लगातार मेहनत कर रहा हो और उसकी वीडियोस वायरल हुआ तो कितनी खुशी होती होगी। तो अल्लाह के करम में बस फरवरी में मेरा वीडियो वायरल हुआ था। जी जी। अच्छा तकी भाई, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सबसे मुश्किल होगा उसका जवाब आपको देने के लिए, एक यूट्यूबर यूट्यूब से कितना कमाता है वो तो हर कोई पूछते हैं, हमारे जो देखने वाले हैं वो सब ही जानना चाहेंगे कि एक यूट्यूबर यूट्यूब से कितना कमाते हैं। जी जी। तो आप कितना कमाते हैं यूट्यूब से अभी फ़िलहाल, आप कितना कमा रहे हैं? बस अनवर भाई, बात ये हमारी तो कोई औकात नहीं, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पहले बेरोज़गार था, पहले मैं एक जगह पे काम करता था, वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो तकरीबन 12,000 रुपये मुझे मिलता था। हाँ, तो अल्लाह का करम है, यूट्यूब पे तो आप जानते हैं अच्छी खासी कमाई है यूट्यूब पे। तो उसके बाद ये है ना कि वो डॉलर्स में देते हैं यूट्यूब वाले ना, तो उस हिसाब से आजकल आप देखते होंगे कि जो रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो तकरीबन 220-215 ऐसा कुछ हो, तो अच्छी खासी मतलब इनकम होती है अल्लाह के करम से, मतलब हमारी तवक्को से बढ़कर। लेकिन एक ये है कि मतलब यूट्यूब पर आप ये नहीं कह सकते कि आप अगले महीने आप 1,00,000 कमाएंगे, 2,00,000 कमाएंगे। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी व्यूज ना आए तो आपको एक महीने में 1 रुपये भी नहीं मिलता है, सारी चीज़ें व्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये है कि मेरे व्यूज़ तो मेरे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान का जो RPM है वो लो है दीगर जो ममालिक की नस्बत ना, तो फिर भी अल्लाह पाक का 1,00,000 शुक्र है, बाहर बस गुजारा हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बंदा जो 12,000 का नौकरी करता था और अल्लाह पाक ने यूट्यूब पे इनका रिज़्क लिखा हुआ था, और अभी महीने में एवरेज 1,00,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है ये। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1,00,000 ही कमाएं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 लाख भी हो सकते हैं, मतलब उससे कम भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि मतलब व्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, बस चैनल अच्छा जा रहा हो तो आप अच्छी मेहनत कर रहे हो उस वक्त अच्छी खासी कमाई हो जाती, मतलब यूट्यूब पे। एक बात ये है कि आप लोग ऐसा ना सोचें कि यूट्यूब पे पैसा कितना है, कम है, ज़्यादा है, मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा है यूट्यूब पे ना, बस ये अल्लाह का करम है, आप लोग मेहनत करें इंशाल्लाह। सोचने वालों के लिए इशारा काफ़ी, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच तकी भाई। आखिर में आप जो हमारे न्यू जनरेशन यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? यार मेरे ख्याल में ना बस मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना, आप अच्छी नीयत रखें, आप कोशिश करें। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर जो लोग ना हमारे जो मतलब कुछ गरीब लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े शख्स होते हैं ना, उनकी वीडियोस बनाते हैं, तो आप ऐसा लाजमी करें जितना हो सके, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ज़्यादा पैसे, उनकी हेल्प भी आप थोड़ा ज़रूर करें, उसके बाद उनकी वीडियोस बनाएं, तो बस ये तो अल्लाह की तरफ से होती है, तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी और आपका वीडियो भी बन जाएगा। तो बस आप अच्छी नीयत रखें, खुलूस नीयत से आप काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो अगर मुझ जैसा नालायक बंदा कर सकते हैं तो आप लोग इससे बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसा ही है मेरे भाई। थैंक यू सो मच तकी भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आखिर में मेरा यूट्यूब चैनल है अनवर साकी व्लॉग के नाम से, तो मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए आप क्या सजेशन देंगे आगे? अनवर भाई, आपका मतलब टॉपिक कौन सा है, मतलब आप भी व्लॉग्स बनाते हैं? बनाता हूं। अच्छा, माशाल्लाह व्लॉग्स आप बनाएं इंशाल्लाह।
बस यही है यूट्यूब का ना, आप रेगुलर रहना पड़ता है इधर ना, आप रेगुलर रेगुलर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, कोशिश करें जितना हो सके यूनिक बनाए ना। बिल्कुल ऐसा ही। आप यूट्यूब पे देखें, अगर कोई और मतलब इस टॉपिक पे किसी और ने इस पे वीडियो बनाया हुआ है तो आप कोशिश करें उस पे ना बनाए, आप कुछ नए चीज ले जाए ना। कुछ दिनों पहले ना, तकरीबन आज से डेढ़ महीना पहले मैंने एक वो बनाया था, एक कुंद, उसमें एक था एक बाबा जी और अच्छा। उनकी वाइफ थी ना, बिल्कुल, उनकी वीडियोस मैंने बनाया था, तो लोग देख मतलब दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वीडियो तो, हाँ, तो मेरे ख्याल से आप कुछ और चीज़ों को लाए ना, तो मैंने जब उनकी वीडियो बनाया तो उस वक्त ये चीज़ नहीं थी ना, बिल्कुल बिल्कुल न्यू ये टॉपिक था, इसलिए वो तकरीबन आज 3 मिलियन से क्रॉस कर चुके हैं ना, तो ऐसे ही बात है। तो आप बस यूट्यूब पे आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को आप लाएँ, कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा तकी भाई, आप बड़े यूट्यूबर हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए आपका एक शूट आउट तो लाजमी बनता है मेरे चैनल, आप अपने व्यूवर से ज़रा कहें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यार, हम भी गरीब लोग। जी जी बिल्कुल यार, मैं भी बस पहले कौन सा बड़ा यूट्यूबर था, खैर आज भी कोई बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन बस आप लोग मेरी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अनवर भाई के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनको भी सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तकी भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफिज़।